हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेन ई वाई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन 2022 के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर दोस्तों आपको पेन ई वाई के डिस्ट्रीब्यूटर मिशन के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि पेन ई वाई के डिस्ट्रीब्यूटर में आपको कितना कमीशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या होता है कि आपको किसी आरएम के पास कॉल करना होता है, उसके पास अपना डिटेल देना होता है, तभी आप जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा है कि इसमें आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी आरएम को ही खोजना पड़ेगा, तभी आप उससे संपर्क करके जो कि है अपना आईडी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ आप सर्च में आएंगे। सर्च में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पेन ई वाई साथी, और ये जो पेन ई वाई साथी ऐप है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे जो कि मैंने पहले से ही अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे एक ओटीपी जो कि है आपको आएगा, या फिर अगर आपने पिन सेट किया होगा तो वो पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमने अपना पिन डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे जो कि हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे यहाँ पे पता लगाएंगे कि आप किससे जो कि आईडी लेने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके आसपास में पेन ई वाई कौन चलाता है। आपको अगर ये पता है तो आप उसके पास जाइए और उससे आप आरएम का या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेकर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि मेरे आसपास में कौन कौन जो कि है पेन ई वाई यूज करता है, तो इसके लिए ये ऐप है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे ये हमारा होम बटन है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको नियर बाई लिखा है, नियर बाई पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लोकेशन अपना अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके जो आसपास में जितने भी दुकानें होंगी, जो भी यूजर पेन ई वाई चलाते हैं, उनका यहाँ पे पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। अब ये डिटेल आने के बाद आपको जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक दुकान आ गया जिसका नाम है शिवम कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल्स, एक है कनिका कलेक्शन, एक है संजय गोयल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमको जो कि ये तीन दुकान आ चुकी है, ये आपके आसपास की दुकानें बताएगा जो कि आपके आसपास में होगा। आप इनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप जो कि है पेन ई वाई डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ले सकते हैं या फिर आरएम का नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे दोनों नंबर दिया गया होता है। तो आपको जो कि है कॉन्टैक्ट आरएम से करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं करना है। अगर आपको रिटेलर आईडी लेना है उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कि है आपको आरएम से कांटेक्ट करना है, क्योंकि आरएम ही जो कि पेन ई वाई का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देता है। तो आप उससे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे और इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। पहले आपको किसी पेन ई वाई रिटेलर से कांटेक्ट करना है, वही आपको जो कि आरएम का नंबर देगा। जब आप इनके पास जाएंगे तो इनको बोलेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आप अपने आरएम का नंबर दे दो। तो इनसे आप जो कि आरएम का नंबर ले सकते हैं किसी से भी, जो आपके आसपास में दुकानें होंगी। जैसे यहाँ से पता लग जा रहा है कि ये जो कि है पेन ई वाई चलाता है, ये भी पेन ई वाई चलाता है, और ये भी। तो आप इनसे जो कि है जाके कॉन्टैक्ट करके आसानी से जो कि उनका नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप उनसे ये जो दोस्तों ये जो होता है ना, यहाँ पे जो आपको ये जो दुकानें दिख रही हैं ये देख सकते हैं, ये आपको 200 मीटर के
अंदर में ही ये सब दुकानें हैं। तो इससे आपको ये होगा कि आपको अपने आसपास का जो कि आरएम मिलेगा, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा कि इसमें आपको केवाईसी भी करवाना होता है, तो केवाईसी में भी आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आस पास के किसी आरएम से कांटेक्ट करें और उससे अपना आईडी बनवा लें। तो यहाँ पे दोस्तों पेनियाबाई में एक सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि आप यहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद आपका जो कि आईडी बन जाएगा। आपको आरएम से कांटेक्ट करना होता है और वही आपको बताएंगे कि इसमें कितना आपको चार्ज लगेगा। अगर कोई ऑफर रहता है तो कम पैसे में भी मिल जाएगा, लेकिन वैसे आपको 6500 रुपये लगता है, जिसमें 10 APS ID यानी 10 रिटेलर आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी कमीशन की बात करें तो कमीशन वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस कमीशन वाले लिस्ट को देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि किस में कितना कमीशन है। तो यही है वीडियो, और उम्मीद है कि वीडियो से आपको ये हेल्प ज़रूर मिला होगा कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।